जी, तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। उसमें यह है कि आप जैसे कह रहे हैं कि अवतार हो चुका है, प्रकट होना बाकी है, तो इतना पाप बढ़ गया है, इतनी गऊएं कट रही है, ब्राह्मणों की हानि हो रही है, भगवान के सनातन धर्म की हानि हो रही है, तो अगर अवतार हो चुका है तो भगवान प्रकट क्यों नहीं हो रहे? और अगर प्रकट होंगे तो क्या बता सकते हैं कब प्रकट होंगे या कहाँ प्रकट होंगे? तो हमें यही कंफ्यूजन रहती है कि अगर उन्होंने अवतार ले लिया है तो वह प्रकट क्यों नहीं हो रहे? तो इस बात पर आप रोशनी डालिए प्लीज। देखिए, हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए हम जाना। भगवान प्रेम, देखिए, राम नाम सब कोई जपे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझत नहीं तुलसी नंद किशोर। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने किसे मौका दिया? अपने उन साथियों को जो युगों युगों से उनकी पुकार कर रहे थे। आज भी वो ये चाहते हैं कि भूमि भार उतारना उनके लिए सरल है, मगर अपने भक्तों को उन्होंने जो परीक्षा में बैठाया है, फाइनल परीक्षा में। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी एक अंतरंग बात बता रहा हूँ। सतयुग भक्तों के लिए तिमाही की परीक्षा है, त्रेता युग भक्तों के लिए छमाही की परीक्षा है, द्वापर युग भक्तों के लिए नौमाही की परीक्षा है, और जो फाइनल टेस्ट है ये कलयुग है। इसमें भगवान चाह रहे हैं कि जो तुम चार युगों से भक्ति करते आ रहे हो उसे पक्की करो, नहीं तो मैं अगले जन्म में, अगली चतुर्युग में फिर तुझसे मौका दूंगा। तो हम लोगों को मौका देने की वजह से सतयुग सही प्रकट नहीं हो रहे। वो चाह रहे हैं हम सब लोग मिलकर उनकी पुकार करें और ये श्रेय हमें दे दें कि ये भूमि का भार इन लोगों ने पुकार करी तो मैंने उतार दिया, नहीं तो उनके लिए सतयुग करना बाएं हाथ का खेल है, भ्रगुटी विलास का खेल है।